आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस ने औरंगाबाद शहर का अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो चुनौतियां क्या है आपके सामने? चुनौती उसकी पार्टी की, हमारी कोई चुनौती नहीं, पर आने वाले महानगर पालिका के अंदर अच्छे लोग चुन के आए और हम 3 से 4 थे, उसको 30-40 कैसे बनाए ये चुनौती है। और आदरणीय हमारे शरद पवार साहब के जो विचार हैं, हर जो उन्होंने काम किए वो जाके लोगों को बताए, और लोगों को मालूम नहीं कि पवार साहब ने क्या क्या काम किए। लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष ने कोई मुस्लिम को कोई साथ नहीं दिए, जो MIM पैसा यहाँ पे है तो बोलती है, भाजपा बोलती है, तो मुस्लिम के लिए क्या काम किए, दलितों के लिए क्या काम करे, क्षेत्रीय के वास्ते क्या काम करे, हर समाज के वास्ते पवार साहब ने क्या काम किए, ये लोगों को बताना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि पवार साहब की विचार हर समाज के वास्ते है, एक समाज के वास्ते नहीं है, पूरे समाज को लेकर चलने वाला एक ही नेता शरद पवार साहब। ये हम हर घर घर गली गली जाके बताएंगे लोगों को, और उनको आने वाले महानगर पालिका के अंदर जातिवादी के शक्ति के साथ नहीं जाके, जो सेकुलर जो सबको लेके चलने वाली पार्टी वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। ये हम औरंगाबाद में जो है खासदार MIM का है, और इससे पहले के इलेक्शन में जो है उनके 25 कार्यकर्ता चुन के आए थे, और राष्ट्रवादी के सिर्फ 2 या 3 नगर से और चुन कर आए थे, तो शहर में मुकाबला आप कैसा करेंगे MIM का? ये जो MIM और जो BJP है वो एक ही है, वो तो आप भी सबको मालूम है कि एक दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये इधर से श्री राम बोलती, इधर से अल्लाह अकबर बोलते, और दोनों को अलग अलग, मुसलमान को मुसलमान के पीछे, इधर अलग जा रहे, इधर हिंदू जा रहे। ये हम सबको बताएंगे कि ये पार्टी एक समाज की नहीं, पूरे समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, जो जातिवाद पार्टी के साथ मत जाके लोगों के, जो गरीब गोरों को जो आज जो नुकसान हुआ, आज जो पूरा हिंदुस्तान परेशान है कि हिंदुस्तान पूरा परेशान है, कि हर चीज़ में परेशान है। आप देख रहे हैं डीजल पेट्रोल हर चीज़ का 4% से भाव बढ़ाला, और हर आदमी परेशान है। आपका जो वोट बैंक है वो खिसकता जा रहा है, MIM की तरफ जा रहा है, आपके राष्ट्रवादी की तरफ लाने के लिए क्या कार्यक्रम है आपके पास? इंशाल्लाह हम जाके, हम वही बता रहे हैं कि हम गली गली घर घर जाके बताएंगे कि हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है, हमारी आने वाली हमारी ये जो सत्ता है, हमारी सत्ता है महाराष्ट्र की, जो हर लोगों के गरीबों के जो काम रुका ले हम उनके काम करेंगे। हमारे मुश्ताक भाई हैं, हमारे देशमुख साहब हैं, और हमारा नेता जो है पवार साहब है, अजीत दादा है, जयंत पाटिल साहब है, टोपे साहब हैं, ये हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम पूरे है महाराष्ट्र में तो कर रही है, मगर औरंगाबाद में भी हम अच्छे लोग ला के अच्छा शहर का कैसा विकास होगा, शहर के लिए क्या कमी है, क्या यहाँ पे क्या चाहिए, हम हमारे नेताओं को भी बताएंगे और लोगों के विचार पूछेंगे कि भाई तुम्हारा क्या तकलीफ है, कहीं रोड की तकलीफ है हम निधि ला के देंगे, कहीं कहीं कोई कौन सा भी प्रॉब्लम है तो वहाँ का हम काम करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 3 थे फिर 4 हुए, हम 30 से 40 नगर से कैसे चुन के लाएंगे, हमारी ये मुश्ताक भाई की हमारी पूरी की टीम है, टीम की कोशिश रहेंगी, हमारे यूथ के सब जितना भी हमारे पास कोई मतभेद जात भेद कुछ नहीं रहेगा, हम सब मिलकर औरंगाबाद शहर में आने वाली महानगर पालिका में हमारा सिर्फ फोकस रहेगा कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नगर सेवक चुन के आए और आने वाले महानगर पालिका के अंदर अच्छे से, जो महानगर पालिका के अंदर अच्छे से जो शहर का जो विकास कैसा हो ये हमारा फोकस रहेगा। नहीं, ये 2 दिन पहले जो वक्तव्य किया है राष्ट्रवादी के खासदार ने, अमोल कोले जिनका नाम है, उन्होंने संसद में जो है संभाजी नगर कहा है औरंगाबाद को,
नहीं नहीं भूमिका है राष्ट्रवादी नहीं नहीं उन्होंने मैंने अभी आज स्टूडियो पे सुना उनका, उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो संभाजी नगर, वो तो एक संभाजी का उन्होंने पाठ करते हमेशा, वो औरंगाबाद ही बोला, आप सुने होंगे, मैंने भी सुना। नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, वो दोनों का किया, मगर वो उनके जो जो है उनका जो भूमिका है, जो एक्टर है, वो संभाजी राजे के इससे मशहूर है, उनके मुंह में आया होगा, मगर हमारी विचारधारा वो सिर्फ औरंगाबाद ही बोलेंगे। वो उन्होंने बाद में विचार भी बोले कि मेरे बाकी का हमेशा बोलते ना, वो काम ही किया आला है उन्होंने, संभाजी का रूल्स किया आला, उसमें से उनके मुंह में निकल गया होगा। संभाजी नगर के मुद्दे पे अंदरूनी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे नेता, उन्होंने कोर्ट में केस डाले लिए इनसे। वो संभाजी नगर, वो तो एक संभाजी का उन्होंने पाठ करते हमेशा, वो औरंगाबाद ही बोला, आप सुने होंगे, मैंने भी सुना। नहीं एक्सेप्ट नहीं किया, वो दोनों का किया, मगर वो उनके जो जो है उनका जो भूमिका है, जो एक्टर है, वो संभाजी राजे के इससे मशहूर है, उनके मुंह में आया होगा, मगर हमारी विचारधारा वो सिर्फ औरंगाबाद ही बोलेंगे। वो उन्होंने बाद में विचार भी बोले कि मेरे बाकी का हमेशा बोलते ना, वो काम ही किया आला है उन्होंने, संभाजी का रूल्स किया आला, उसमें से उनके मुंह में निकल गया होगा। नहीं कहीं संभाजी नगर के मुद्दे पे अंदरूनी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे नेता, उन्होंने कोर्ट में केस डाले लिए, इंशाल्लाह वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। वो कोई भी लटका, कोई संभाजी नगर बोले या कोई कौन सा भी नगर बोले, औरंगाबाद ही रहेगा।